टीम 22 पर धमपद आरंभ हो चुका है। धमपद की पहली गाथा जा चुकी है। धमपद के बारे में हम बताएंगे, इससे पहले एक जानकारी, टीम 22 की सभी वीडियोस कॉपीराइट फ्री हैं। आप कोई भी वीडियो उठा सकते हैं, अपने चैनल पर लगा सकते हैं, अपने फेसबुक पर लगा सकते हैं, अपने नाम से लगा सकते हैं, आप किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धम्म को बढ़ाने में आप भागीदारी और सहयोग कर सकते हैं। धमपद की गाथाएं आगे आने वाली हैं, उससे पहले हम धमपद का एक छोटा सा परिचय देंगे आपको। धमपद जो किताब है, जो बुक है, ये बहुत नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, नेचुरल और कुदरती जितने भी आचार संहिता या ह्यूमन के कोड होते हैं जीने के लिए, यानी सुख के लिए जितनी भी बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातों का संग्रह है। धमपद में जो दोहे या चौपाई या वर्सेस या आयत या अनुच्छेद या हम ये कहें स्टेंजा, श्लोक, मंत्र, बंद लाइंस या कलमा, जो भी आप कहें, ये सारे के सारे बिल्कुल ओरिजिनल वो गाथाओं के नाम से जाने जाते हैं जो गाथा उस समय तथागत के मुंह से या तथागत ने इनको समय समय पर बताया, भगवान बुद्ध ने इनको बताया। धम्मपद भगवान बुद्ध की जो वचन है, वाणी है, उनका अच्छी वाणियों का एक संग्रह है और बेजोड़ संग्रह है। पाली साहित्य के अगर हिसाब से इसे देखें तो इसकी जो स्थिति है, पाली साहित्य तीन हिस्सों में टूटा हुआ है पूरा। इसको त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक के तीन हिस्से हैं, सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्तपिटक में जो खुद्दक निकाय होता है, खुद्दक वाला जो भाग होता है, उस खुद्दक निकाय में जो दूसरा हिस्सा है, किताब है, उसको धमपद बोलते हैं। इस धमपद में 26 वर्ग हैं, 26 सेक्शन हैं, 26 सेक्शन में लगभग 423 इसमें गाथाएं हैं और गाथाओं की कथा भी है, यानी बताया गया है कि ये बात कब कही और किस संदर्भ में कही, वो कथाएं भी हैं और ये वर्ड फेमस हैं। इसका जो पहला वर्ग है, यानी पहला जो वर्ग है, सेक्शन है, वो यमक है। यमक अभी चल रहा है। यमक का मतलब होता है ट्विंस यानी जोड़ा। अपमाद वर्ग है, अपमाद का वर्ग होता है यानी जो प्रमाद ना करे, यानी जो प्रमाद में ना पड़े, मदमस्त ना हो, उसको अप्रमाद बोलते हैं। चित्त वर्ग है, चित्त वर्ग का मतलब है जो चित्त है, जो माइंड है, उसका वर्ग है, माइंड और मन उसका। पुफ वर्ग है, पुफ को फूल बोलते हैं, पुफ का मतलब फूल है, पुफ वर्ग। फिर बाल वर्ग है, बाल वर्ग का मतलब है मूर्ख वाली बातें या ऐसी बातें जो इमैच्योर हैं, उनको बाल वर्ग में यानी बाल सेक्शन में आती हैं। फिर पंडित वर्ग है, पंडित का मतलब यहाँ ज्ञानी है, जो जानकार है, उसका एक वर्ग है। अरहंत वर्ग है, अरहंत का मतलब जो सेंट है, निर्वाण प्राप्त लोग हैं, भिक्खु हैं, भंते हैं, जो जीवन को पार कर चुके हैं, जीते जी जिन्होंने दुखों को हटा दिया है, अरहंत वर्ग है। उसके बाद में सहस्त्र वर्ग है, सहस्त्र वर्ग में हजार, सहस्त्र माने हजार होता है, यानी हजार का सेक्शन है, हजार गाथाएं नहीं है, हजार शब्द बीच में वहां आता है। फिर पाप वर्ग है, यानी कि जो एविल हैं, बुरे काम हैं, उनका एक वर्ग है। दंड वर्ग है, यानी पनिशमेंट का एक वर्ग है। एक इसमें जरा वर्ग है, जो बूढ़ों से संबंधित है, बूढ़े कैसे करते हैं, क्या क्या बुढ़ापे में होता है और किस तरह से मन विचलित होता है, जरा। अत्वग है, अत्वग का मतलब होता है यहाँ पे खुद, अत्व माने खुद होता है, सेल्फ यानी खुद के बारे में उसमें बातें हैं। लोक वग है, लोक का मतलब है वर्ड, लोक दो तरह से आता है, एक शरीर के अंदर को भी लोक बोलते हैं और शरीर के बाहर जो होता है उसको भी लोक बोलते हैं। बुद्ध वग है, यानी जो एनलाइटेड लोग हैं, जो बुद्ध हैं, जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया है, जिनको बुद्धत्व मिल गया है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हाइएस्ट नॉलेज हो चुकी है, उसका एक वर्ग है। एक इसमें सुख वर्ग है, यानी हैप्पीनेस वाला वर्ग है, सेक्शन है। एक इसमें प्रिय वर्ग है, प्रिय वर्ग का मतलब है प्रिय, प्रिय माने बिलव्ड, जो प्रिय वर्ग है जिसमें प्रिय के बारे में बताया गया है। एक इसमें कोध वर्ग है, कोध माने क्रोध, एंगर। एक मल वर्ग है, मल वर्ग जो मन के अंदर होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं, मल वर्ग है। इसमें एक है धम्मठ वर्ग, यानी जो धर्म में स्थित लोग रहते हैं उसको धम्मठ वर्ग बोलते हैं, धम्म में स्थित रहना। एक है मग वर्ग, यानी कि मग माने मार्ग होता है, मार्ग का वर्ग है। एक है पकीर्णन वर्ग, प्रकीर्ण वक जो होता है इसका मतलब प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस उसमें दिए हुए हैं। एक है निरय वग्गो, निरय का जो मतलब होता है यहाँ, इसको हम नरक से समझ सकते हैं कि नरक का एक सेक्शन है, यानी कि वॉफुल स्टेट, ऐसी अवस्था जो बहुत दुखदायी होती है। एक है यहाँ पे नाग वग्गो, नाग हाथी को बोलते हैं और नाग वंश के जो लोग हैं उनको भी नाग बोलते हैं, यहाँ हाथी से मतलब है,
नाग वग्गो में, नाग सेक्शन में जो गाथाएं हैं उनमें हाथी कहीं ना कहीं आएगा। एक तणा वग्गो है, तणा का मतलब होता है तृष्णा यानी कार्विंग, कार्विंग वाला जो सेक्शन है तणा बोलते हैं इसको, तृष्णा। एक है भिक्कू वग्गो यानी जिसमें भिक्कू हैं और जो मेडिसेंट लोग हैं जिन्होंने मेडिसेंट किया हुआ है, जो विपश्यना साधना करते हैं, ऐसे भिक्कू लोग जो लगातार सीख रहे हैं। और लास्ट इसमें 26वां वग है ब्राह्मण वग्गो। ब्राह्मण का मतलब यहाँ जो आएगा वो आएगा परफेक्ट वन, यानी कि जो पूर्णतः है उसको यहाँ ब्राह्मण करके दिया गया है। ये धम्मपद का एक छोटा सा परिचय है जिसमें 26 सेक्शन हैं और 423 टोटल गाथाएं हैं। और धम्मपद का जो आरंभ है वो आरंभ हुआ है लगभग जब पहली संगति हमारी हुई थी भगवान बुद्ध के महा निर्माण प्राप्त करने के बाद में, उस समय से ही जो अच्छे अच्छे पद थे वो सारे पद छांट के इसमें डाले गए थे और वो इतने बढ़िया बना कि उसको धम्मपद बोला गया। धम्मपद का मतलब है धम्म के पद तो सारे ही होते हैं मगर धम्मपद खास तौर से इसके अंदर भी शब्द आता है जिसको धम्मपद बोलते हैं। 223 ईस्वी में पहला संस्करण जो चीन में बना, चीन में ये मौखिक रूप से चला, इसको फा क्यू किंग बोला करते थे। फा क्यू किंग जिसको अनुवादित किया था वाची लैन ने, जिसमें पाली से भी अधिक इसमें गाथाएं रही हैं। चीन की जो धम्मपद है उसमें पाली से अधिक गाथाएं, यानी भारत के जो धम्मपद है उससे ज़्यादा गाथाएं हैं। और 265 से लगभग 313 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण आया चीनी भाषा में, जो फा क्यू पी यू करके बोला जाता है। और इसका तीसरा संस्करण चू यऊ किंग करके आया। 823 में पहली बार इसकी छपाई हुई चीन के अंदर, जब चीन के भिक्कों ने पहली बार छपाई को ईजाद किया, कागज को ईजाद किया, तो सबसे पहली जो किताब छपने वाली थी वो थी धम्मपद, जो 823 ईस्वी में आई और फागुनी पूर्णिमा को ये बनाई गई। और फागुनी पूर्णिमा को ही इसका फेस्टिवल मनाया जाता है बहुत सारी जगह जहाँ इसकी जानकारी है। 817 और 842 के बीच में तिब्बती भाषा यानी भोट भाषा में ये बन के तैयार हुआ, छपना शुरू हुआ। और 845 में रोमन में और दूसरा बना 1900 में। उसके बाद में पॉलीटेक्स सोसाइटी में श्रीलंका में, 1860 में जर्मन में, 1878 में फ्रेंच में, 1912 में रूस में, 1950 में अंग्रेजी भाषा में भारत में, और इसके अलावा जापान, कोरिया, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, इन सब कंट्रियों में जगह जगह जिसका हमें जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। और हिंदी भाषा में जो पहला छपाई जिसका मिलता है वो 1908 में है, भदंत ऊ चंद्रमणि महास्थविर जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दी थी, उन्होंने इसको पहली बार संपादित किया और छापा। उसके बाद 1932, 1933, 1953, 1959, 1968 बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया और ये लगातार निरंतर चलता रहा। ये जो चीनी भाषा का जो धम्मपद है उसमें लगभग 752 के करीब गाथाएं हैं, यहाँ इसमें 423 हैं उसमें 752 हैं, तो ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि जितनी भी गाथाएं हैं वो त्रिपिटक से ली जाती हैं। धम्मपद में गाथाएं बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं, क्योंकि अभी तो ये फिक्स हो गया है मगर इसमें और भी सेक्शन डाले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चीन वाले लोगों ने जो धम्मपद बनाया उसमें 752 गाथाएं हैं। धम्मपद की जो सबसे खास बात है कि धम्मपद साधारण मनुष्य को खास मनुष्य बनाने के लिए पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से कामयाब है। और ये एक साधारण मनुष्य को अगर उसका अभ्यास करे, उसकी प्रैक्टिस करे जो धम्मपद में लिखा हुआ है, तो साधारण मनुष्य, खास मनुष्य, खास मनुष्य को पाली में देवता बोलते हैं, देवता बनाया जा सकता है। धम्मपद का अभी तुलनात्मक अध्ययन जो है वो होना बाकी है। तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन होता है कि धम्मपद मनुष्य के लिए बनी है, उसकी आचार संहिता है, सिविल कोड है उसका, उसका जीने के लिए जो उसमें होना चाहिए वो है जिससे वो अच्छा आदमी बने। ऐसी और भी किताबें हैं जिनमें मनुष्य के उत्थान के बारे में, कल्याण के बारे में बातें की गई हैं, अलग अलग नामों से हैं। उन किताबों का और धम्मपद का तुलना करके अध्ययन होना बाकी है। कुछ का अध्ययन हुआ है जैसे धम्मपद का और बीजक का, जो कबीर का बीजक है उसमें ये समानता पाई गई कि ये लगभग एक सही है। और इसके अलावा जो और भी किताबें हैं उनमें ये पाया गया कि धम्मपद की जितनी गाथाएं हैं वो किसी ना किसी रूप में सब जगह मिलती हैं, क्योंकि धम्मपद की जो गाथाएं हैं वो लगभग 2500 साल 2500 साल पुरानी है, इसलिए उसकी मान्यता उसी हिसाब से है। धम्मपद में कल्याण करने की मनुष्य का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उसके कल्याण करने की कुवत है और ये उसके अंदर एक अच्छी बात है, क्योंकि धम्मपद बहुत प्राचीन है और मनुष्य की आचार संहिता है यानी हैप्पी लॉन्ग लाइफ का कोड है इसके अंदर। व्यक्तिवाद से मुक्त है, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक भिक्खु संघ है सारा सारा जो जिन्होंने इसको संपादित किया,
और ये जो वाणी है सारी सारी ये बुद्ध ने जगह 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 कही है। 45 साल में ये जो बात कही है उन्होंने, वही बात उसके अंदर है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये भगवान बुद्ध के मुख से निकले हुए शब्द हैं जो भिक्खु संघ ने इनको इकट्ठा किया और अपनी भाषा में इनको याद किया, और बाद में ये श्रीलंका में जाके छपना शुरू हुआ, यानी कि इसको सुरक्षित करके रखा हुआ है। जब तक मनुष्य रहेगा तब तक धम्मपद रहेगा, क्योंकि ये मनुष्य के लिए बना है, इसलिए मनुष्य जब तक रहेगा, मनुष्य का मन जैसे काम करेगा, सारी बातें उसमें मन के ऊपर हैं, वैसा ही ये उसके हिसाब से काम करता है। ये उसका एक तरह से आप ये समझिए कि ये उसका सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन का कोड इसमें लिखा हुआ है। आसान है और सरल भाषा में है, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और इसमें इतिहास से या माझी से या जो पास्ट है उससे बिल्कुल फ्री है। इसमें कहीं कोई इतिहास का या माझी का कोई जिक्र नहीं है, इसमें प्रेजेंट मनुष्य के लिए की सारी बातें हैं, जैसा मनुष्य होता है उसके हिसाब से। सार्वजनीन है यानी सबके लिए है दुनिया में, और सर्वकालिक है, जब तक मनुष्य रहेगा हर काल में ये काम आता है। संप्रदाय से मुक्त है, इसमें कोई संप्रदाय नहीं है। कोई ये कहे कि ये बौद्ध लोगों का है तो बौद्ध शब्द इसमें है ही नहीं, बौद्ध शब्द बहुत बाद में बना है, जिसने बनाया होगा अपने हिसाब से बनाया होगा। ये बेसिकली मनुष्य के लिए है, इसमें बुद्ध ने जितना बताया है वो अपने नाम का कहीं इसमें जिक्र नहीं किया है, किसी भी इसमें गाथा में ऐसा नहीं कहा है कि बुद्ध ने ऐसा कहा या ये बुद्ध का इसमें नाम लिखा हुआ। ये बिल्कुल नेचुरल रूल्स हैं और ये व्यक्तिवाद से बिल्कुल और संप्रदाय से फ्री हैं, इसमें कोई भी कम्युनिटी या संप्रदाय की बात नहीं है। ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, ये कहीं अवतारित नहीं हुआ है, ना ही कहीं ऐसा है कि इसका कोई राइटर ना हो। ये सीधा सीधा बुद्ध के वचन है और ये मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है, और ये छपता भी मनुष्य के द्वारा ही है। इसके इसमें एक तरफ सिद्धांत है, और सिद्धांत को व्यवहार में लाने का इसमें नियम भी है, क्योंकि सिद्धांत खाली इसमें दिए हुए हैं, अगर आप व्यवहार में नहीं लाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसमें जो लिखा हुआ है वो इसके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, इसकी थ्योरी है, और इसका व्यवहार, इसका प्रैक्टिकल आपको जीवन में करना पड़ेगा, तभी ये लाभदायक है। अगर आप इसे रोज घोट घोट के पढ़ेंगे, इसको खूब याद करेंगे, 423 गाथाओं के आप मास्टर हो जाएंगे, शब्द से शब्द रटेंगे, तो अभी इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। ये ऐप प्रचारित है, इसका प्रचार, इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रचार नहीं किया जाता, इसका कोई प्रोपेगेंडा या कोई इसका इस तरह से नहीं कहा जाता कि ये किताब आप ले लीजिए या इसको पढ़िए या इसको पढ़ने से कुछ ऐसा होगा। ये अपने आप ही स्वतः चलता है, जो इसको देखता है समझता है वो इसको रख लेता है। ये दुनिया की तमाम भाषाओं में लगभग हर जगह ये आपको मिलेगा। इसकी एक सबसे अहम और ख़ास और लास्ट बात जो मुख्य है वो ये है कि आदि में, मध्य में और अंत में, यानी कि इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में, मिड में, बीच में और लास्ट में, यानी कि अंत में, आप कोई सी भी 423 में से गाथा उठा लीजिए। इसका कोई नियम नहीं है कि आपको पहले ये पढ़नी है या पहले वो पढ़नी है। आज सारी की सारी जो गाथा हैं, सारी बातें हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। आप कोई सी भी गाथा उठा लीजिए, उसकी संबंधित कहानी पढ़ लीजिए, आपको वही समझ में आ जाएगी। अगर आप उसी का प्रैक्टिस करेंगे तो उसी का लाभ आपको मिलेगा। इसलिए ये इसका हर शब्द लाभकारी होता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये पाली का जो धम्मपद है जो त्रिपिटक में दिया हुआ है, ये उसका छोटा सा परिचय है। समय समय पर हम आपको लगभग पूरा का पूरा त्रिपिटक सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।